भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में हिस्सा लेने की उम्मीद है। कुलदीप यादव ने संकेत दिए हैं कि जडेजा ने अभ्यास सत्र में दमदार प्रदर्शन किया और आगामी मैच के लिए फिट नजर आ रहे हैं। हाय, इतना सुकून। रविंद्र जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट में हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, इसके चलते वो विशाखापट्टनम टेस्ट से बाहर हो गए थे। बीसीसीआई ने तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय टेस्ट स्क्वाड की घोषणा की और साथ ही बताया कि रविंद्र जडेजा का उपलब्ध होना फिटनेस पर निर्भर करेगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कुलदीप यादव ने कहा, मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा फिट नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपना रूटीन किया और कल भी अभ्यास सत्र पूरा किया, वो उपलब्ध हैं। भारतीय टीम इस समय प्लेइंग 11 के चयन को लेकर परेशान है, वो इस मामले में उलझी है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में से किसे प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। दोनों ही गेंदबाज बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बल्ले से उपयोगी योगदान देना चाहते हैं। वैसे जडेजा को पटेल पर तरजीह मिल सकती है, पर प्लेइंग 11 का आखिरी फैसला मैच के दिन पता चलेगा। विराट कोहली और केएल राहुल की गैर मौजूदगी में रविंद्र जडेजा टीम के लिए उपयोगी विकल्प बन सकते हैं। जडेजा के रहने से कप्तान रोहित शर्मा के पास विकल्प बढ़ जाते हैं। खुशी जडेजा की रवि अश्विन और अक्षर पटेल के साथ गेंदबाजी जोड़ी भी अच्छी बनती है। इसके अलावा जडेजा एक शानदार फील्डर भी हैं, ऐसे में जडेजा हर हाल में भारतीय टीम के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं।